से मैंने एमपी का फॉर्म भरा, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को जिसने मुझ पर विश्वास किया उसके लिए धन्यवाद करूंगी, मेरे वरिष्ठों को जिसने मुझ पर विश्वास किया उनके लिए धन्यवाद करूंगी, उसे सबसे बड़ा धन्यवाद मैं अपनी पार्टी को करूंगी। इसके कारण आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। प्राथमिकताओं की बात अगर करें तो सीधी संसदीय क्षेत्र में रेल की सबसे बड़ी कमी रही है, मैं इस पर विचार करना चाहूँगी और विचारनी, और मैं अपने वरिष्ठों के साथ सामंजस्य बनाकर उनके आशीर्वाद से मैं रेल लाकर ही रहूँगी दीदी संजय क्षेत्र में। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक कृषि व्यवस्था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की जो मंशा रही है युवाओं को रोजगार और नारी सशक्तिकरण एवं नरेंद्र जी मोदी भाई की जो मंशा रही है समर्थ भारत का निर्माण करना, वो मैं अपने सिद्धि संजय क्षेत्र से। आपके विरोध में कांग्रेस के कद्दावर नेता इंद्रजीत पटेल चुनाव मैदान में उतरे, उनकी एक पिछड़ा वर्ग में एक पकड़ है, ऐसी स्थिति में आप उनके उनसे कैसी चुनौती का सामना करेंगी लोकसभा में? मेरे साथ तो मेरे क्षेत्र की जनता है और मेरे वरिष्ठों का आशीर्वाद और स्नेह है, और सबसे बड़ी बात मोदी में लहर है और क्या कहना है। मोदी जो फैक्टर है शहरों में देखा जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में, गाँवों में उसका कितना प्रभाव? बिल्कुल प्रभाव है, गांव-गांव तक, घर घर तक प्रभाव है।